नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिम गुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़ी नोटिफिकेशन जो है वो मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी संबंधित यहां पे जारी की गई है। तो इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, साथ में आप रेगुलर होंगे या नहीं होंगे और क्या कुछ यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम आपको बताते चलें कि यहां पर कुल 5000 पदों पर जो है ये भर्तियां होनी है और इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, चलिए वो जान लेते हैं। सर्वप्रथम आप जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, साथ में बोनाफाइड हिमाचली आपके पास होना चाहिए और साउंड माइंड आपका होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड आपका होना चाहिए। और साथ में आपको बताते चले कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। सरकारी सर्विस अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य करता है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल नेचर आपका नहीं होना चाहिए, किसी भी आप जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकली फिट होने चाहिए और जिस भी पंचायत डिवीजन सब डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर आप अन्य किसी डिवीजन सब डिवीजन या फिर पंचायत के थ्रू जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपकी 8वीं पास रहने वाली है, मिडिल पास रहने वाली है, तो आपके पास जो है वो 8वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे रहती है नॉलेज ऑफ आपको कस्टम्स मैनर्स डायलेक्ट का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष है, ठीक है। तो 18 से 45 वर्ष के जितने भी यहाँ पे युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये रहता है कि कई बार लड़कियां भी पूछ लेती है कि क्या वो अप्लाई कर सकती है, तो जी हाँ वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप मेल ही होने चाहिए, फीमेल वर्ग में भी यहाँ पे जो है अप्लाई आप कर सकते हो। और अगर आप 18 से 45 वर्ष है, 8वीं आपकी पास है, घर का कोई सदस्य सरकारी जॉब में नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं यहां पर कि आपके लिए नोटिफिकेशन कब आएगी, कहां से जारी की जाएगी। तो जो भी आपके सर्कल लेवल पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होंगे, ठीक है, जो SC होंगे वो इसके लिए बाकायदा जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो जारी करेंगे। किसके थ्रू? सब डिविजन और डिविजन के थ्रू। और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो ग्राम पंचायत को भी भेजी जाएगी, ग्राम पंचायत के थ्रू जो है आपकी यहां पर जो है नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा और न्यूज़पेपर में भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो है फुल पब्लिसिटी इसकी होने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी हम भी आपका अपडेट यहां पे देते रहेंगे। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, भाई एप्लीकेशंस जो है आपको किस तरह से सबमिट करनी है, यानी कि आवेदन किस तरह से करने हैं। आवेदन इसके भी जो है आपको सादे कागज पर करने हैं, अटेस्टेड जो फोटोकॉपीज आपकी है सर्टिफिकेट्स की वो आपको अटैच कर देनी है। अब यहाँ पर जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अटैच करने हैं आपको वो भी यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। आधार कार्ड एक तो आपको यहाँ पर जो है वो अटैच करना है और एज प्रूफ का सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो अटैच करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके मार्क्स यानी कि आपके अंकों नंबर के लिए जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, वो आगे आपको बताएंगे। उससे पहले हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका कार्य क्या होगा अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स और बिल्डिंग्स की यहाँ पर कार्य करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टाफ रहता है टेक्निकल स्टाफ है PWD डिपार्टमेंट या अन्य जो भी यहां पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी असिस्टेंस के तौर पर भी आपको जो है यहाँ पे कार्य करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो कार्य दिए गए हैं। वहीं बात करेंगे हम यहाँ पे कि आपको जो है वो लीव कितनी दी जाएगी यानी छुट्टियां कितनी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर कैजुअल लीव जो है वो 12 यहाँ पर साल में आपको दी जाएंगी। राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है भाई, क्योंकि अगर आप रेगुलर के लिए आगे जाकर क्लेम करना चाहते हो तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि ये जो भर्तियां हैं वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होंगी और आपको जो है वो रेगुलर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये पहले यहां पर मेंशन है। और आपको बताते चलें कि इसमें आपको जो है 4500 रुपए मानदेय दिया जाएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे रखी गई है। इसके अलावा यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर यानी SDO जिसे आप कहते हैं सब डिविजनल जो ऑफिसर रहते हैं वो और साथ में जूनियर इंजीनियर JEE आपके काम से जो है वो यहां पर संतुष्ट नहीं है तो वो आपको जो है वो काम से निकाल सकते हैं।
तो फुल मिलाकर यहाँ पर जो है शोषण होने वाला है भाई, मजदूरों का, मजदूर वर्ग का जो है यहाँ पे शोषण होने वाला है। ये वही कंडीशन आ गई इतिहास की जो है, जहां पर जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता था। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा यहाँ पर भी लागू करनी पड़ेगी भाई। बात करेंगे यहाँ पर जो है वो अन्य टर्म्स एंड कंडीशन की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही रहने वाली है कि आपको जो है सेटिस्फाई जो है वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी। देखिए एकेडमिक मार्क्स यानी कि आपकी जो आठवीं में मार्क्स होंगे उसके हिसाब से, अगर आपके मान लीजिए 100% में से 50% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो 2.5 मार्क्स दी जाएंगी, यानी कि कुल 5 मार्क्स आपको जो है वो अपनी जो आठवीं कक्षा होगी उसके मिलेंगे। उसमें से आपको बताते चले, जैसे मान लीजिए आपके 400 अंक है और 400 अंक में से आपके 200 अंक है, तो 200 अंक आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 400 में से आपने 400 लिए हैं तो आपको जो है फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपको जो है वो एकेडमिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ST SC OBC या फिर इस तरह से बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा। BPL फैमिली, EWS फैमिली, जनरल कैटेगरी की बात करें, BPL और EWS फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए कितना यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए सिर्फ 1 मार्क्स दिया गया है, बाकी जो जनरल रिजर्व है यानी EWS है, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है यहाँ पे इकोनॉमिकली, तो उनको जो है 2 मार्क्स का प्रावधान किया गया है। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, फिजिकल टेस्ट आपका भाई ये कंडक्ट करवाएंगे जो चीफ इंजीनियर होंगे, उनके द्वारा जो है एग्जामिन किया जाएगा कि फिजिकल कैपेबिलिटी है उनमें या नहीं है जो आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कुल मिलाकर 10 मार्क्स में से जो है आपका यहाँ पर जो है वो मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट आपकी जो है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद डिक्लेयर होगा आपका रिजल्ट का, ठीक है, डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी की जाएगी। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट में से जो भी कैंडिडेट होगा उसको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो है एक कमेटी का यहाँ पे जो है वो गठन किया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसे आप जो है एक्सिन कहते हैं उनकी यहाँ पर जो है वो चेयरमैन रखे गए हैं, बाकी जो SDO रहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर वो मेंबर रखे गए हैं, और सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है, यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है वो मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पर जो यहाँ पर सदस्य इसके रखे गए हैं, ठीक है, गठन किया गया है सिलेक्शन कमेटी का, और वही जो है इसमें सिलेक्शन करेगी, और जो भी यहाँ पर भर्तियां होंगी ये 10 मार्क्स के बेसिस पे होगी और मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो ये फुल डिटेल थी, उम्मीद करता हूं आपको जो है अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल हिमगुरु नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहां पर आपको जो है वो हर लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की हर ताजा खबर भी मिला करती है। तो तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।